जालंधर से निकले हैं और जालंधर से हम जा रहे हैं हरी के पट्टा, हरी के वेटलैंड, जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर सेकंड नंबर पे आती है इन वर्ल्ड बर्ड वॉचिंग। और विवेक और मैं यहाँ पे खेतों के बीच में से निकल रहे हैं, एज यू कैन सी। और ये रास्ता बहुत ही ऑसम है क्योंकि आज मौसम बहुत ही खुशनुमा हो चुका है, चारों तरफ बादल हैं एंड वी आर लकी टू हैव दिस वेदर टुडे। और आज महाशिवरात्रि भी है, सो हैप्पी शिवरात्रि टू एवरीवन। काफी दिनों से हम ये ट्रिप प्लान कर रहे थे। मोटी पहले ये बता दे, खा के क्या क्या आई है आज सुबह से? मैंने सुबह आलू के पराठे खाए, सैंडविच खाए, बहुत सारा दही भी खाया। ये अब बता। अब उसके बाद खाने के बाद मन तो नहीं था कहीं जाने का, लेकिन फिर भी घूमने आए हैं तो घूमेंगे ही। तो अभी हम निकले थे ये प्लान करके कि हम आज कल रात जालंधर रुक गए थे और जालंधर के पास जो ये हरी के वेटलैंड है इसको हमें एक्सप्लोर करने का मन था। जब भी आप अमृतसर जाएंगे या जालंधर जाएंगे तो आपको एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ दिखेगी कि जो वाटर टैंक्स हैं लोगों के घरों में, वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में दिखेंगे आपको, जैसे बर्ड की शेप में, पिजन की शेप में, किसी का किसी को एलिफेंट की शेप में किसी ने बनाया है, तो बहुत ही यूनिक सा आर्किटेक्चर रहता है उनका। मोटी ये तो बता पहले कि हम हरी के जा क्यों रहे हैं? एक्चुअली हमने कुछ दिन पहले प्लान किया था कि हम कुछ नई सी लोकेशन एक्सप्लोर करते हैं। पंजाब और हरियाणा ये भी ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर बहुत सारी चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड हैं। सो वी सर्च्ड अबाउट दिस प्लेस हरी के वेटलैंड, जो कि बहुत फेमस नहीं है, और हमें इंटरनेट पे उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली, हमें कुछ भी नहीं मिला उसके बारे में। बस ये मिला कि ये एक लार्जेस्ट वेटलैंड है पंजाब रीजन का और नॉर्दर्न इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट है, और यहाँ पे जो आपका भरतपुर बर्ड सेंचुरी है उसके बाद सेकंड एक तरीके से बर्ड सेंचुरी है जिसको लोग प्रेफर करते हैं आने के लिए, बट फिर भी इंटरनेट पे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हमने सोचा चलो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। कितना आगे अंकल हरी के सचियागा, कितना आगे है ये? तो फिर ही आते थे पहले आंदा। हाँ जी, पहली बार ही जाना पड़ा हरी के। हाँ जी, इधर से रास्ता नहीं है? नहीं नहीं, इधर से जाना पड़ा ऊपर से। हाँ जी, कितना दूर है यहाँ से? ये तो 6 किलोमीटर है। और ये क्या है? ये संतरी है, उतो लेनी पैंदी है, पर पत्ती ला के फिर उधर ले बने दी इतरी है। अच्छा, एंट्री आगे से है? हां। अच्छा अच्छा, ओके। ए गुरुद्वारे ना? अच्छा, ए गुरुद्वारे का रास्ता है? ओके। गुरुद्वारा किथे है? गुरुद्वारा इतो 6 किलोमीटर। अच्छा, ये भी गुरुद्वारा भी पैदल जाना है, गाड़ी जा सकती है? नहीं, उधर ले बने दी होनी है ना गाड़ी, इधर दी नहीं। ओके, उतो पत्ती ला के फिर आना। अच्छा, उत्थे पर्ची लेनी है फिर इधर आना है? हाँ, हरी के जाके पर्ची ले गए, पर्ची का पैसा कोई नहीं भरी है। ठीक, हरी के इत्थे तो 6 किलोमीटर। ठीक है, शुक्रिया जी, धन्यवाद। गूगल मैप में जब आप डालोगे हरी के वेटलैंड तो आपको वो हरी के का जो पिंड है वहाँ पे ले जाएगा, तो अगर आपको वो देखना है तो आप वहाँ भी जा सकते हो, लेकिन हम लोगों को जाना था हरी के बर्ड सेंचुरी। तो अभी हमने एक पाजी से बीच में पूछा है कि किधर जाना है, तो उन्होंने बोला कि सीधे चलते जाओ इस सड़क पे तो आपको बर्ड सेंचुरी ले जाएंगे, यही रोड सीधा आपको बर्ड सेंचुरी छोड़ देगी। यहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी होती हैं एंड द बेस्ट सीजन टू कम हियर इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी, सो वी आर एट द राइट टाइम एंड होप सो वी विल सी गुड साइट्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड सेंचुरी की तरफ जाते हुए इट्स अ ब्यूटीफुल वे थ्रू, दोनों तरफ से पेड़ ऐसे आके मिल रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है ना, जैसे किसके बीच में से निकल के जा रहे हो। और मौसम तो आज ऑसम है ही, जैसा कि हमारी मैडम बता चुकी हैं, मौसम भी ऑसम है और यहाँ के खेत भी बहुत ऑसम है, एकदम हरे भरे, एंड पीपल ओवर हियर आर सो फ्रेंडली, उनसे कुछ भी पूछो तो वो एकदम दिल खोल के आपको समझाते हैं कि यहाँ से ऐसे जाना है वैसे जाना है। हालांकि मुझे पंजाबी बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती है, बट विवेक को समझ आती है तो he is understanding that part. और ये हरी के पट्टन का पहला बोर्ड हमें दिखाई दिया, वेलकम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਟਨ ਇਧਰ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਟਨ ਆਗੇ ਤੇ ਆਵੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਰਡ ਸੈਂਚਰੀ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹ ਜਾਓ ਉਹ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲੰਘ ਜਾਓ ਗੱਡੀ ਉਹ ਖਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਣਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਧੰਨਵਾਦ ਭਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਹਮ ਹਰੀ ਕੇ ਸੇ ਸਿਰਫ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਹਰੀ ਕੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ इधर से या गेट गेट आवे इधर बढ़ जाए अच्छा अंदर से ही जाना है फिर हाँ जी, हाँ जी। गाड़ी चली जाएगी गाड़ी चलेगी अच्छा धन्यवाद धन्यवाद तो आखिरकार किसी तरह हम पहुंचे हरी के बर्ड सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी जाते ही हमारी मुलाकात हुई लवलप्रीत सिंह से जिन्होंने हमें हरी के से बहुत अच्छे से रूबरू कराया जिसको लेकर आएंगे हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक देखते रहिए जिंदगी के पन्ने लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए खुश रहिए।